देखिए, चुनाव जीतने के लिए या राजनीति के विषय में जहाँ तक बातें हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भगवती माँ बंगलामुखी त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूज्य हैं माँ बंगलामुखी, जिनका अपर नाम एक पीताम्बरा देवी भी है। इनकी साधना, इनकी पूजा, इनकी आराधना जो है राजनीति के क्षेत्र में विशेष लाभकारी होता है। कारण क्या है? इनके विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बंगलामुखी चित्त शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। चित्त शक्ति, ये चित्त की शक्तियों को अप्रहित करती है। तो या देवी सर्वभूतेषु चित्त रूपेण संस्थिता, भगवती चित्त के रूप में संस्थित है, तो जो चित्त है उस चित्त को अप्रहित कर लेती है। दूसरी बात क्या है कि दुष्ट स्तंभन उग्र विग्र शवनम, दुष्टों का स्तंभन करती हैं, रोक देती हैं, उग्रता को रोक देती हैं। मातर भंजय में विपक्ष वदनम, जो विपक्षी है उसका भंजन करती हैं, उसको नष्ट करती हैं। ये मारती नहीं है, बस इनमें मारण नहीं है, ये किसी भी क्रिया को विपरीत कर देती हैं। मातर भंजय में विपक्ष वदनम, मतलब विपक्ष को जो है, जो विपक्षी लड़ रहा है उस विपक्षी को पराजित कर देती हैं भगवती, क्योंकि उनका सबसे बड़ा अधिकार जो चित्त शक्ति पर है। और चित्त शक्ति के विषय में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग जो है चित्त वृत्ति का निरोध करता है, इसलिए भगवती का उनके ऊपर आश्रय आधारित होना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए माता बंगलामुखी एवं पीताम्बरा का विधिवत योग वैदिक पद्धति से अनुष्ठान अगर कराया जाए तो निसंदेह राजनीति के क्षेत्र में, रोग शत्रु के क्षेत्र में, या किसी भी प्रकार के विवाद के क्षेत्र में अप्रतिम लाभ हमको